हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ शेफ हमीद। आज आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी लेकर आया हूँ। ये है चिकन मंडी बनाना। मैं आपको बताऊँगा जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, इधर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट तैयार किया हुआ है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट मैं आपके सामने बनाऊँगा। एक बहुत अच्छी रेसिपी है, आप जब भी घर पर ट्राई कीजिएगा, कोई राकेट साइंस नहीं है। इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल है हर जगह पर, हर जगह मिलेगा, हर दुकान पर मिल जाएगा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जी, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल दिया, तेल के बाद थोड़ा सा बटर इसमें डालेंगे, प्योर बटर। ये देखें जिस तरह हमारे जो ना अनियन काफ़ी ब्राउन हो रहे हैं। उसके बाद हम जो ना इसमें एक 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिंजर एंड गार्लिक पाउडर। मसाला, कोरमा मसाला, इसको जो ना हंडी मसाला भी कहते हैं, लेकिन अगर आपको हंडी मसाला ना मिले तो आप कोरमा मसाला भी इस्तेमाल करते हैं। ये है 2 चम्मच। नमक, तीन टीस्पून। अब इसको स्लो आंच पर रहने दें। ये देखें आयल छोड़ रहे हैं और दही का पानी तकरीबन सूख गया है। उसके बाद आपने ये क्रीम ऐड करना है ऊपर से। थोड़ा सा
धनिया पुदीना और ये हरी मिर्चें। इसको तकरीबन आधा घंटा दम पे रखना है। ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल डन हो गया। तो चूल्हा बंद करेंगे और ऊपर से यूं देसी घी थोड़ा मार दें। और ये ज़बरदस्त चिकन मखनी।